नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 6 मई, ओवरऑल हमने देखा एग्री मार्केट में मोमेंटम थोड़ा फेड होते हुए दिखाई दिया। जिस दिन से हमने देखा कि कल के सेशन में भी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बहुत तेजी थी, खास करके सोयाबीन और कैस्टर में। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में जिस दिन से US और चाइना के बीच में ट्रेड डील पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है। कॉटन के प्राइजेस की अगर बात करें तो आइस कॉटन में हमने फिर से गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि मेजर जो बाय चाइना है वो इस वक्त मेजर बाइंग नहीं आ पा रही, जिसके चलते दबाव कंटिन्यू रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में CCI ने कहा है कि हम MSP पे कॉटन बाय करेंगे, जिसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट प्राइजेस पे आ सकता है, बट एंड यूजर की बाइंग नहीं होने की वजह से हमें लगता है आने वाले दिनों में गिरावट का रुख और बढ़ सकता है। प्राइजेस 15,100 तक के सपोर्ट ले सकते हैं। कपास में भी गिरावट का रुख रहेगा, जो 950-960 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल केक में कल दिन के सेशन में हमने तेजी जरूर आती हुई देखी, बट 1880 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एनालिस्ट एंटिल 1880 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्राइजेस में गिरावट का रुख रह सकता है, जो 1770 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने मिल जाएगा। सोयाबीन के प्राइजेस में कल फिर से हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 3800 का लेवल रीगेन करते हुए जरूर देखा है, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं पे भी मार्केट में मूव नहीं कर रही, और टेक्निकली भी इससे पहले भी हमने देखा है 3900 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो आज के सेशन में हो सकता है प्राइजेस में थोड़ा बहुत उछाल आए, बट 3840-3850 का एक अच्छा रेंज है, इस रेंज पे हमें बेच के ही काम करना चाहिए। रिफाइंड सोया और CPO दोनों ही काउंटर में हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं। जिस ढंग से पाम ऑयल की जो ग्लोबल डिमांड है या बायोडीजल की डिमांड है, उसमें भारी कटौती आती हुई दिखाई दी है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो वापस टॉल में चले गए। जिस ढंग से यूरोपियन सबसे बड़ा मार्केट था बायोडीजल का, वो इस वक्त लॉकडाउन या हम रिसेशन के चलते जूझते हुए देख रहे हैं। तो CPO के प्राइजेस में हो सकता है आने वाले दिनों में और गिरावट मिल जाए, जो 560 तक का लेवल CPO में, वहीं रिफाइंड सोया में 760 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। मस्टर्ड में टेक्निकली कल हमने देखा 4150 से एक अच्छा पैटर्न बना है, जिसके चलते प्रेशर बना है। आने वाले दिनों में ये प्रेशर बढ़ सकता है, जो 4000-4020 तक का लेवल मस्टर्ड में दिखा सकता है। कैस्टर में शॉर्ट टर्म रिकवरी है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी साइडवे रहेगा। आज रिकवरी 3740-3750 तक का लेवल दिखा देगा। यहीं मसालों की अगर बात करें तो हल्दी हमें 5250 से लेकर 5550 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जीरे में हमने जो बाउंस देखा है, जिस दिन से APMC मार्केट का अपडेट आया है कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो हो सकता है अगेंस्ट दी अराइवल मार्केट में अराइवल्स नहीं रहेंगे, जिसके चलते प्राइजेस में एक सेंटिमेंटल बाउंस मिल सकता है, जो 14,000 तक का लेवल मई वायदा दिखा सकता है। धनिया में ओवरऑल ट्रेंड वीक है, 5600 का लेवल तोड़ने पे हम 5200-5300 तक का भी लेवल देख पाएंगे, अदरवाइज 5900 तक के लेवल बाउंस पे ही बेचना चाहिए। चाइना में प्राइजेस ओवरऑल लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश है, जिस ढंग से अदर पर्सेस के भाव बढ़ रहे हैं, चाइना अभी भी MSP के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अट्रैक्टिव कमोडिटी बनाता है। बट जिस ढंग से गवर्नमेंट ने पैनी नज़र रखी हुई, कोई भी कमोडिटी में ज़्यादा तेज़ी नहीं आए, तो हो सकता है प्राइजेस अगर 4100 के नीचे मिले तो लेके काम करना चाहिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं गवार गम में कल क्रूड की तेज़ी की वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना जरूर था, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। जहाँ पे भी अच्छा उछाल मिले वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। 3550 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, 3250 से 3550 के बीच में गवार सीड और 5000 से लेकर 5300 के बीच में गवार गम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद।